इसी लाइव सेशन में और इस वीडियो में हम आपको आपके स्टेट के जॉब्स बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट दे देता हूं। उसके बाद आपके सवाल लेंगे और आपके स्टेट की जॉब आपको बता देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ आपको दोस्तों, अगर आपको मोबाइल पर जॉब लग चाहिए तो आप ज़रूर से हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में इंडिया में आने वाली सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडिया में आने वाली सारी गवर्नमेंट जॉब्स के, इवन दो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का भी डायरेक्ट लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं आज के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और आपको बताते हैं जॉब्स। तो दोस्तों हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जाने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपली देखो एड्रेस बार में recruitmenthub.in टाइप करना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, जैसे भी आप इस नाम को सेव कर लीजिए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसी आई है जिसके अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे 40 से 60,000 रुपीज़ पर ही, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये आई होप सो कर्नाटक की वैकेंसी होगी, इसके लिए ऑल इंडिया से लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं कौन से स्टेट की वैकेंसी है। अच्छा, तो ये वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र की है, ये वैकेंसी आज आई है, ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो आज दूसरी वैकेंसी जो आई है वो आई है हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे 50 सिविल जज के पोस्ट हैं। ये तेलंगाना की हाई कोर्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी 27,700 रुपये से लेकर 44,700 रुपये पर मंथ की। इसके लिए LLB वाले अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट है इसका 6 जून। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी यहाँ पे आई है, पुलिस वैकेंसी है जो, वो है आपको इंडिया रिजर्व बैटालियन कमांडो विंग से, और यहाँ पे 199 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है जिसके लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, 31,100 रुपये से लेकर 66,800 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, बॉयज़ के लिए जॉब है, और यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये केरला की वैकेंसी है। चलिए अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों आज जो वैकेंसी आई है अगली, वो आई है कृषि विभाग से, यानी कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से। ये वैकेंसी आई है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे 462 असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे BA, BCom, BSc, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पे 35,400 से 44,900 रुपये की सैलरी मिल जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी। ये दोनों ही दो डिपार्ट की जॉब है, असिस्टेंट के एक में सैलरी मिल जाएगी 35,400 की, और एक में मिलेगी 44,900 की स्टार्टिंग सैलरी। जॉब होते आपको ये सैलरी मिलेगी हर मंथ, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऑल इंडिया की वैकेंसी। आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की भर्ती है। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, काबिल हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया है जिन्होंने, वो इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर से भरे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सब कुछ छानबून कर ले, अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी मेरे लिए ही, तभी फॉर्म भरिएगा। चलिए ये वो आई है HPPWD डिपार्टमेंट से, यानी कि लोक निर्माण विभाग की वैकेंसी प्रदेश की, और यहाँ पे सीधी भर्ती हो रही है, बंपर वैकेंसी हो रही है 5,000 मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, केवल मेरिट पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाली जॉब आई है 40,000 वैकेंसी वाली, उसमें भी कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे फॉर्म फीस भी बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे कुल पद 5,000 है, और इसके लिए 8वीं पास अप्लाई करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं, 8वीं पास हैं, वो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़कर ही भरिएगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है क्या है, तो आप इस वेबसाइट पे आकर डिटेल्स को पढ़ के फॉर्म को भर सकते हो। अगली वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों, तो अगली वैकेंसी जो है वो है आंगनवाड़ी के डिपार्टमेंट से। यहाँ पे वैकेंसी आई है आंगनवाड़ी चिक्का बल्लापुर के डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे 76 आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए 4वीं पास, 9वीं पास व 10वीं पास अप्लाई करेंगे। ये कर्नाटक की वैकेंसी है, केवल कर्नाटक के चिक्का बल्लापुर के ही लोग अप्लाई करेंगे इस आंगनवाड़ी के लिए, दूसरे स्टेट वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और यहाँ पे सैलरी जो मिलती है आंगनवाड़ी में वही आपको मिलेगी, और ये केवल महिलाओं के लिए है। अगली वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो अगली वैकेंसी आई है बिजली विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे 65 टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी व लाइनमैन के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए 10वीं पास या फिर ITI पास अप्लाई करेंगे, साथ ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, और यहाँ पे अच्छा डिपुटेशन बेसिस पे जॉब है ये, ठीक है। इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई फीस भी नहीं लगता है। अब चलिए आप लोग सवाल कीजिए और मैं आपके सवालों को जवाब देता हूँ, और आपको आपके स्टेट के जॉब बताता हूँ अगर अवेलेबल है तो। चलिए शुरू करते हैं। हाय काजल, हाय ममता सिन्हा, हाय अंकिता वॉट टुडे, हाय काजल। अच्छा काजल बोलती है यूपी से है, यूपी की जॉब बताना है इनको। आपका क्वालिफिकेशन क्या है काजल, आप वो भी बता दो तो मुझे बताने में आसानी होगी। हाय बुआ गेमिंग। अच्छा ये पूछ रही है किसके लिए आप अप्लाई करना चाहती हो काजल, आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म भरे गए थे, कैसे पता चलेगा? देखो आप कोई भी फॉर्म भरोगे ना तो आपको मेल आईडी पे कंफर्मेशन आता है कि हाँ आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, और जब भी आपको एग्जाम होने वाला होगा उससे 10 दिन 15 दिन पहले कंपनी आपको मेल पे एडमिट कार्ड का लिंक भेज देती है कि आप एडमिट कार्ड उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए और एग्जाम देने जाइए। ऐसे आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम होने वाला है, कहाँ पे सेंटर है, सब कुछ उस एडमिट कार्ड में लिखा होता है, जो कि एग्जाम से 15 दिन पहले कंपनी आपके ईमेल आईडी पे भेजती है या फिर आपके फ़ोन नंबर पे भेजती है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दोनों रखता है। चलिए हाय चाहत, देन हाय अमन, विकास हाय, देन अच्छा काजल MCA कर रही है अभी। चलिए हम देख लेते हैं यूपी की वैकेंसी क्या है पहले। अच्छा अमन बोकारो से हैं, मैं भी कभी बोकारो में रहता था। चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले यूपी की वैकेंसी, देन आपको एक और सवाल आया था देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट से लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले यूपी का हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यूपी में देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी है फिलहाल। तो मैं बता दूं जो 10वीं पास है यूपी के लोग वो आपको पोस्ट ऑफिस यानी कि इंडिया पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट पे सिलेक्शन किया जाएगा, जो भी परसेंटेज आपने लाया है 10th पास में उसके आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। गर्ल्स के लिए कोई फीस भी नहीं है, और 40,000 पूरे इंडिया में वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस में, वीडियो बना दी है आप चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यूपी में वैकेंसी जो है पहली वो है आपको NHM यूपी से, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी से, यहाँ पे मिडवाइफरी एडवोकेटर के पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए BSc MSc वाले अप्लाई करेंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, 30 से 60 हज़ार 70 हज़ार के बीच में मिलती है सैलरी आपको, ये यूपी की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखो इसका डेट निकल गया, तो यूपी में अभी फिलहाल दो वैकेंसी है। अच्छा एक और वैकेंसी है आपको ये वाली है, UPPSC में वैकेंसी आई हुई है 44 असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पदों पर, जिसके लिए LLB वाले अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सैलरी मिलेगी 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो वैकेंसी अभी फिलहाल आपके यूपी में है, और एक है पोस्ट ऑफिस वाली 10वीं पास के लिए, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या सवाल आ रहा है। काइंडली बेकार के सवाल ना करें कमेंट में या फिर चिट चैट ना करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जो भी आपका सवाल है डायरेक्टली मुझसे पूछें, आपस में चिट चैट ना करें, इससे क्या होगा मुझे आपको सवाल लेने में दिक्कत होगी, या जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे सवाल उनको भी दिक्कत होगी। चलिए विकास पूछते हैं महाराष्ट्र के जॉब्स बताओ सर, तो चलिए देख लेते हैं। महाराष्ट्र वाले 10वीं पास हैं तो वो पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डिटेल्स को देख के जरूर से फॉर्म भरिएगा, 40,000 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। चलिए महाराष्ट्र की कैटेगरीज में आ गए हैं, और हम देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी वैकेंसी है फिलहाल।
तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में पहली वैकेंसी है DNS बैंक से, और यहाँ पे 31 असिस्टेंट मैनेजर के पद पर वैकेंसी आई है सारे ग्रेजुएट्स के लिए। सैलरी 30 से 60 हज़ार के बीच में मिल जाएगी आपको, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पहली वैकेंसी है महाराष्ट्र में। दूसरी वैकेंसी है BBTEC वालों के लिए महाराष्ट्र में, महाट्रांसको से 233 असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट हैं, जिसके लिए सैलरी आपको मिल जाएगी 49,210 रुपीज़ से 1,90,350 रुपीज़ पर मंथ की। यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो है यहाँ पे MPSC के डिपार्टमेंट से, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के डिपार्टमेंट से, लोक सेवा आयोग से, और यहाँ पे 253 स्टीनोग्राफर व स्टीनोटाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए 12वीं पास या फिर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास है तो तब भी फॉर्म भर सकते हो, डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सैलरी मिलती है 25,500 से 1,32,300 रुपये पर मंथ की। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेल व फीमेल दोनों इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी देखो महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी नहीं है, एक वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस वाली 10वीं पास के लिए, बता चुका पहले। चलिए काजल, फिलहाल MCA के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अगर आएगी फ्यूचर में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। हाय चाह चौहान, अच्छा झारखंड से पूछ रहे हैं। चलिए झारखंड के जॉब्स देख लेते हैं क्या क्या झारखंड में जॉब्स हैं, तो झारखंड की कैटेगरी में हम चलते हैं। चलिए देख लेते हैं झारखंड में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे पहली वैकेंसी जो झारखंड में है वो आपको है UCIL के डिपार्टमेंट से, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे 130 माइनिंग मेट, ब्लास्टर, विंडिंग इंजन ड्राइवर के पद हैं, जिसके लिए 10वीं पास 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन इसके साथ ITI भी चाहिए होगी, पोस्ट का नाम पढ़कर ही लगता है। ये अप्रेंटिस के पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे सैलरी है 9,153 रुपये, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखो झारखंड में है JSSC से, और यहाँ पे 370 ग्रेड A के नर्स के पदों पर वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की, और यहाँ पे डिप्लोमा BSc नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ की। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। देखो अगली वैकेंसी का डेट निकल गया, तो अभी फिलहाल आपको यही सारी वैकेंसीज थी। अच्छा एक और वैकेंसी देखो ये वाली है JSSC से, 727 इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर के पद हैं, जिसके लिए DBTEC अप्लाई करेंगे। सैलरी मिलेगी 35,400 से 1,12,400 रुपये पर मंथ की, लास्ट डेट इसका 12 मई। और एक पोस्ट ऑफिस वाली, इसके लिए भी वैलिड है, ऑल इंडिया जॉब है वो, ठीक है। चलिए दिल्ली में जॉब है तो बताएं, चार चौहान पूछती हैं। चलिए हम बताते हैं आपको दिल्ली के जॉब्स के बारे में। देखो दिल्ली में बहुत सारे जॉब्स आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इधर नहीं आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं कौन कौन से भी फिलहाल अवेलेबल हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो दिल्ली में देखो पहली वैकेंसी जो है ना वो कृषि विभाग से ही है, IARI से है, और यहाँ पे 462 असिस्टेंट के पद हैं, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, BA, BCom, BSc, BTEC कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, 35,400 से 44,900 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है दोनों। दो डिपार्टमेंट एक्चुअली जॉब है, असिस्टेंट का, सहायक का। एक डिपार्टमेंट में आपको 35,400 सैलरी मिलेगी, और दूसरे डिपार्टमेंट में 44,900 रुपये सैलरी मिलती है। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली वाले तो फॉर्म भरेंगे ही, दिल्ली में ही आपको जॉब करना होगा। अगली वैकेंसी देखो दिल्ली में जो है वो है आपको DSSSB से, और यहाँ पे 168 असिस्टेंट आर्चिविस्ट, शिफ्ट इंचार्ज, पंप ड्राइवर, मैनेजर व अन्य काफी सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए ITI, डिप्लोमा, BTEC, ग्रेजुएशन, PC अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी है, और ये वैकेंसी जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ पे 25 कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलेगी 45,000 रुपये के अराउंड, ऑल इंडिया की जॉब है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो UPSC से है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से है, और यहाँ पे 67 असिस्टेंट केमिस्ट डायरेक्टर व अन्य पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए BTEC, PG, MD वाले अप्लाई करेंगे।
सैलरी मिलेगी 56,100 से 1,77,500 रुपया पर मंथ की। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करी जाए दोस्तों, तो अगली वैकेंसी है, अच्छा इसका भी डेट है अभी फिलहाल ये, अच्छा ये नहीं है, नीचे चलना पड़ेगा हमें। तो ये वैकेंसी आई है 24 को, अच्छा देख लेते हैं 24 मई इसका लास्ट डेट होगा आई सपोज। या तो देखो अगली वैकेंसी आई है सी आर आई एस के डिपार्टमेंट से, ये रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, रेलवे की जॉब है। यहाँ पे 150 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटा एनालिस्ट के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए बीटेक एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, 44,900 से 1,42,400 रुपये की। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अच्छा इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो काजल जी आप इसके लिए देख सकते हो आई सपोज। तो मैं देख लेता हूँ एक बार बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए एमएससी वाले भी हमको लगता है कि अप्लाई करने चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, इसमें आपको गेट स्कोर मांगा गया है, गेट वाले अप्लाई करेंगे इसके लिए, ठीक है। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो डेट निकल चुका है, उसके बाद वाले का डेट है अभी। अगली वैकेंसी है आपको डीटीसी के डिपार्टमेंट से, ये है आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, परिवहन विभाग से दिल्ली की। यहाँ पे 367 सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन व अन्य पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए आईटीआई डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। सैलरी मिल जाएगी 20 से 50 हज़ार के बीच में। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाय कविता जी, देन हाय काजल सर, बैंक में जॉब आपको देखना है, बैंक में भी एक ही वैकेंसी है, डीएनएस बैंक में, महाराष्ट्र वाले लोगों के लिए। अभी फिलहाल बैंक में वैकेंसी नहीं है, आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारी वैकेंसीज गई हैं अभी तो बैंक की, ना हाल में ही बैंक की बहुत सारी वैकेंसीज गई हैं। चलिए बोकारो की देखो, मैं स्टेट लेवल पे जॉब बताता हूँ, ठीक है। तो झारखंड की मैंने जॉब बता दी है आपको, बोकारो झारखंड में पड़ता है। मैंने अपना 10th पास 12th पास बोकारो से ही किया है। चलिए, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोबाइल से डेटा अपलोड हो रहा है ना, और हाई क्वालिटी में अपलोड हो रहा है, इसलिए शायद ब्रेक कर सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाय कविता रानी, किस लोकेशन का है वैकेंसी? मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आपकी सवाल ले रहा हूँ कौन से लोकेशन की बताऊँ, उसके बाद बता रहा हूँ। आपको जानना आपकी स्टेट की वैकेंसी, तो आप अपने स्टेट का नाम, साथ ही आप किस क्लास में हो कमेंट कर दो। हाँ विकास सर, आईटीआई है महाराष्ट्र में जॉब, हाँ बताया है मैंने महाट्रांस को, वो सारी अप्रेंटिसशिप है। लेकिन मैंने कल के लाइव में मैंने एक वैकेंसी बताया था आईटीआई वालों के लिए, जिसमें सैलरी 30-40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में थी आईटीआई वालों की, उसको आप देख लेना, कल का लाइव देख लेना, जो कल मैंने लाइव किया था ना उसको आप देख लेना विकास। मैंने बताया है चाहत दिल्ली की वैकेंसीज के बारे में आपको, दिल्ली वाले पोस्ट ऑफिस के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा काजल पूछती लिंक दे दो सर, तो लिंक के लिए मैं बताया आपको, आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। कैसे आना होगा देखो, यहाँ पे स्पेलिंग टाइप कर लो आप, मैं बोल देता हूँ RECRUITMENT रिक्रूटमेंट HUBhub.in। स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, अगर आप नाम स्पेलिंग नहीं याद रख पा रहे हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आपको जाओगे तो सारे जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत लोग पूछेंगे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का ही बता दो सर, तो चलिए मैं आपको पोस्ट ऑफिस का ही पहले वैकेंसी दिखा देता हूँ। अच्छा पोस्ट ऑफिस नहीं है वो, इंडिया पोस्ट है, याद रख ध्यान में रखना, इंडिया पोस्ट है वो, ठीक है। हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, लेकिन है वो इंडिया पोस्ट। चलिए हम देख लेते हैं इंडिया पोस्ट की वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरोगे, आपको लाइव बता दे रहा हूँ मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ पे वीडियो बना भी दिया, वो भी आप देख सकते हो और फॉर्म भर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने सर्च किया है इंडिया पोस्ट, यहाँ पे सर्च बार यहाँ पे है, देख लो सर्च बार यहाँ पे, यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप जॉब्स। तो देखो ये वैकेंसी है इंडिया पोस्ट की, यहाँ पे आपको 38,926 पदों पर वैकेंसी आई है पोस्ट ऑफिस की। बम्पर वैकेंसी है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्यों से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जॉब भी आपको आपके स्टेट में मिलेगी, जहां आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस है वहां पे जॉब मिलेगी। फॉर्म कैसे भरोगे, आपने इस आर्टिकल को खोज लिया सर्च करके, या फिर आपने इस आर्टिकल को देख लिया है,
अब इस पे आप एक बार टैप करोगे तो इसका फुल आर्टिकल खुल जाएगा, मतलब पूरा डिटेल खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको, एक मिनट, वन मिनट, एक मिनट का टाइम दो, मुझे कुछ इश्यूज है आई सपोज। सो हेलो हेलो, आप लोग को आवाज़ आ रही है क्या? अच्छा, नेट तो काम कर रहा है मुझे लगता है, एक मिनट जी, नेट काम कर रहा है, मतलब आप लोग को आवाज़ मिल रही होगी मेरी। फिर से हम एक बार पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी को सर्च करते हैं। एक मिनट, मैं आपको पोस्ट ऑफिस वैकेंसी और अप्लाई लिंक ले आता हूँ, ठीक है? हम इस वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट है, यहाँ पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, हम इसको खोल लेते हैं। देख सकते हो ये पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है 38, आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट में आई है 38,926 ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी। ये आपको वैकेंसी डिटेल का वीडियो है, आप वेबसाइट पे आकर ही देख सकते हो। नीचे जाओगे तो सारा डिटेल दिया हुआ, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे, क्या एज लिमिट है, सारी सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? और लास्ट में जाओगे आप देखो तो इसका, देखो अप्लाई करने का डेट क्या है, 2 मई से आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, 5 जून तक, ठीक है? 5 जून इसका लास्ट। फॉर्म कैसे भरो, नीचे आओगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पे, और आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। देखो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे पहुंच गए ना, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो रजिस्ट्रेशन है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। उसके बाद बॉयज़ जो है उनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपये का, गर्ल्स के लिए फीस फ्री है। और देन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, इस तरह आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरोगे। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो आप देखो यहाँ पे एक वीडियो का लिंक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, मैंने 3-4 दिन पहले इस वैकेंसी का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी किया है, फॉर्म भी भरा है, सब कुछ करके दिखलाया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, फॉर्म भरना आप सीख जाओगे। देखते हैं अगला सवाल। बुआ गेमिंग, अभी जीडी की वैकेंसी नहीं आई है, जीडी की वैकेंसी निकल गई है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी होती है वो, जीटी मतलब जनरल ड्यूटी। बिहार का बता पूछ रहे हैं, ठीक है? आफ्ताब आलम पूछते हैं बिहार की वैकेंसी बता दो सर। चलिए देख लेते हैं बिहार की वैकेंसी, तो बिहार की वैकेंसी के लिए चलते हैं बिहार की कैटेगरी में, तो यहाँ पे हमारा रहा बिहार का कैटेगरी, हम चलते हैं बिहार की कैटेगरी में। तो यहाँ आप देख सकते हो पहली वैकेंसी जो बिहार में है वो आपको, अच्छा डेट निकल चुका है इसका 5 मई को, पटना हाईकोर्ट में बहुत अच्छी वैकेंसी थी, इसका डेट निकल गया है, देन सपोज निकल चुका होगा। फिलहाल बिहार में बस एक ही वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस वाली, जो कि मैंने आपको बताया है, बाकी आपको बिहार में कोई भी वैकेंसी नहीं है। चलिए जी शेख पूछते हैं सर एमपी में वैकेंसी बताइए, चलिए देख लेते हैं एमपी की वैकेंसी के बारे में।
चलिए हम देख लेते हैं एमपी की वैकेंसी के डिटेल्स। तो हम चलते हैं एमपी की कैटेगरी में। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पे हमको मध्य प्रदेश ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश से हम चलते हैं इसमें। अच्छा, आज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने लोग आ रहे हो, हमें देख रहे हो, तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम रेगुलर आएँ आप पे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे आपको दें और आपको आपके स्टेट की जॉब बताएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ऐसे ही रेगुलर आते रहें ताकि मैं आपके लिए आपको वैकेंसीज बताता रहूं। तो देखो यहाँ पहली वैकेंसी जो मध्य प्रदेश में है वो आपको SCL से है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से, और यहाँ पे ITI पास की ट्रेड अप्रेंटिसेस के पदों पर वैकेंसी आई है 96 पदों पर। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल वर्क मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अप्रेंटिसशिप है, रेगुलर जॉब नहीं, 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको है NHM MP से। देख लेते हैं इसका लास्ट डेट क्या है, क्योंकि लास्ट डेट सबका पार हो रहा है तो इसका डेट निकल चुका है 30 अप्रैल को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। एक वैकेंसी तो ये रही आपको SCL वाली, दूसरी है पोस्ट ऑफिस वाली, 10वीं पास के लिए और ITI पास के लिए। चलिए MP की जॉब मैंने बता दी है। MSc केमिस्ट्री के लिए देखो, MSc वालों के लिए अभी जॉब नहीं है, आज भी फ्यूचर में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थोड़ा देर आप इंतजार करो, मैं देखता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब है क्या। आप देखो ITI का जॉब जानना है ना कल्याण, तो सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाइए, लिंक आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वेबसाइट का लिंक है, स्टार्टिंग वाला स्लैश से पहले तक, ये कर्सर जहाँ देख रहे हो ना उससे पहले तक का आप आ जाओ इस वेबसाइट पे। नीचे जाओगे और यहाँ देखो ITI की कैटेगरी है, आई में जाओगे, ये देखो यहाँ पे, तब आपको ITI की जितनी भी वैकेंसी है पूरे इंडिया में कहीं भी आपको दिख जाएगी। देखो PTCUIL उत्तराखंड की वैकेंसी है बिजली विभाग की, यहाँ पे ITI की जॉब आई है, इलेक्ट्रिसिटी व लाइन टेक्नीशियन के पदों पर, ये डिपुटेशन बेसिस पे है। अगली वैकेंसी जो आई है ITI पास वालों के लिए, डिप्लोमा पास के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, वो आई है ONGC में, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तीसरी जो है वो आपको दिल्ली में आई है DPSP में, तो इस पे आप आके देख सकते हो। ठीक है, चलो एयरफोर्स में भी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, आई थी चली गई है, फिर आएगी मैं बता दूंगा आपको। मेरे तो 54% चांस है सर भोपाल में। अच्छा भोपाल में देखो स्टेट पे इस पे बताता हूँ। हाँ आप पोस्ट ऑफिस के लिए भोपाल वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे कहीं भी रहते हो पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सकते हो, आप जहाँ रहते हो ना उसी पोस्ट ऑफिस के लिए भरोगे, अगर आपका होता है तो आप उसी पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड भी रहोगे। चलो अच्छा, इंडिया पोस्ट में देखो 4 घंटे या 6 घंटे की ड्यूटी है, तो वहां पे सैलरी कमी है, 10 से 12 हज़ार की सैलरी देते हैं, डाकिया जो होता है ना उनको सैलरी कमी होती है, उसी का पोस्ट है। अच्छा पूछते हैं सर, चलिए कल्याण हाय दिन चातली, अच्छा है सर वेरी क्लियर, अच्छा बोल रही है कि आवाज़ बहुत साफ है मेरा, चलो धन्यवाद, आपको आवाज़ मिल रही है। बुआ गी में कितनी सैलरी होती है GD की? या अच्छा GD की तो वो सैलरी जो होती है ना कॉन्स्टेबल GDs की, वो आपको होती है जनरली, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप मान के चलो स्टार्टिंग में 30 हज़ार की होती है, 30 से 40 हज़ार की सैलरी आपको कॉन्स्टेबल GD की स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और क्या सवाल है आप लोग का कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ, वैसे आज बहुत सारे सवाल आए भी हैं, आप लोगों ने कमेंट किया अच्छा लगा मुझे। चलिए मैं आप देख लेता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कौन कौन सी वैकेंसी है, केंद्र सरकार में कौन कौन सी वैकेंसी है, तो देख लेते हैं। दोस्तों देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहली वैकेंसी है ना वो आपको IARI से है, सारे ग्रेजुएट्स के लिए, इसके लिए ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, जॉब लोकेशन इसका रहेगा दिल्ली। अगली वैकेंसी देखो BSF से है, अच्छा मैंने कल बताया था आपको ये वैकेंसी के बारे में, BSF से वैकेंसी आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, 90 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है यहाँ पे, और इसके लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई फीस भी नहीं है, आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो आप इस वैकेंसी का भी फॉर्म भर सकते हो। अगली वैकेंसी देखिए,
ONGC से है, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन के लिए, इसका भी फॉर्म आप भर सकते हो ऑल इंडिया से, ये अप्रेंटिसशिप है। अगली वैकेंसी देखिए NFSU से है, यहाँ पे 332 टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट हैं। इसके लिए एनी ग्रेजुएट PG PhD CA अप्लाई करेंगे और इसमें देखो मैक्सिमम पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है बस 49, 49 पद हैं सहायक के, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी कहाँ की है मैं बता देता हूँ आपको, तो ये वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपको जहां उनका मन होगा वहां पोस्टिंग देंगे। ठीक है चलिए अगली वैकेंसी हम देख लेते हैं, वेट अ मिनट रिफ्रेश कर लूँ इस पर, चलिए रिफ्रेश हो गया। अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको DSSP से है, 168 ग्रुप बी एंड सी के पोस्ट है। इसके लिए ITI डिप्लोमा BTEC ग्रेजुएशन PG वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको 10वीं पास के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे जॉब है, आप चाहे किसी स्टेट में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, किसी भी कस्बे में रहते हो, आप इस वैकेंसी का भी फॉर्म भर सकते हो। और ये वैकेंसी आपको है पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंट से, 38,926, 40,000 अराउंड पोस्ट है, जिसके लिए कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, गर्ल्स के लिए कोई फीस भी नहीं होगा, तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो। इसका मैंने कंप्लीट वैकेंसी डिटेल पे वीडियो बना के रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, देन आपको फॉर्म भी भर के दिखला दिया है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना आपको, तो उसको आप देख लेना। अगली वैकेंसी देखिए आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आपको है CSIR CGCRI के डिपार्टमेंट से, यहाँ पे 70 टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट हैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, जो भी है ITI वाले डिप्लोमा वाले वो सुन ले, इस वैकेंसी का डिटेल्स पढ़कर फॉर्म भर सकते हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सैलरी मिलती है 35,400 से 1,12,400 रुपया पर मंथ की, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, वो आपको है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के डिपार्टमेंट से, इसका लास्ट डेट देखो 14 मई है। ठीक है एक मिनट में फिर से रिफ्रेश करूंगा, चलिए नीचे चलते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे वैकेंसी जो आई है ना, वहाँ 862 एयर इंडिया से वैकेंसी है, उसके डिपार्टमेंट से 862 कस्टमर एजेंट हैंडीमैन व अन्य पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए 10वीं पास ग्रेजुएशन अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी 17,520 से 21,300 रुपये पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी है। हाँ यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, जरूर एक्सपीरियंस मांगा गया होगा, जहाँ एग्जाम नहीं हुआ एक्सपीरियंस हो सकता है, कहीं कहीं नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस वाले में कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है ये। अगली वैकेंसी देखो रेलवे में है, रेलवे में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है, 1,033 ट्रेड अप्रेंटिसेस के पोस्ट हैं ITI वालों के लिए, ये अप्रेंटिस है याद रखना। अगली वैकेंसी जो है इसका डेट निकल चुका नहीं है, ये है आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, यहाँ पे 50 यंग प्रोफेशनल के पद पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए कोई भी PG डिग्री वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी 40 से 60 हज़ार की, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी देखो है UPSC के डिपार्टमेंट से, 67 असिस्टेंट केमिस्ट डायरेक्टर व अन्य पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए BTEC PG MD वाले अप्लाई करेंगे, 56,100 रुपये से 1,70,500 रुपये की सैलरी मिल जाएगी, यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो। अगली वैकेंसी का डेट निकल चुका नहीं है, अगली वैकेंसी देखो BRO से है, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से है, यहाँ पे 302 मल्टी स्किल वर्कर के पोस्ट हैं, जिसके लिए 10वीं पास के साथ, यहाँ एक्चुअली मेसन और स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं, जिसके लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग और मेसन वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये, ऑल इंडिया वैकेंसी, और ये केवल महिला मेल कैंडिडेट के लिए है, बॉयज के लिए है, फीमेल्स इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगी। अगली वैकेंसी SCL से ITI वालों के लिए, देन आपको क्रिस से है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है देखो आर्मी में भी वैकेंसीज हैं, आपको देख लेना है डेट और आके अप्लाई करना है, BSF में है, इंडियन आर्मी में है, तो आपको सारे डिटेल्स को देखने होंगे हमारी वेबसाइट पे आके, वेबसाइट का लिंक मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, सिंपली यहाँ पे रिक्रूटमेंट हब आपको देख लो, ये वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो कहीं पे, इस वेबसाइट पे आपके आके आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पा सकते हो। और अगर आपको मोबाइल पे जॉब रेट चाहिए तुरंत, जैसे आएगा कोई वैकेंसी पता चल जाए, तो आप जरूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें हम सारे जॉब्स के अपडेट देते हैं पहले,
तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 118,400 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस लाइव सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और आपको बताएंगे कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देंगे, साथ ही आपके सवाल लेंगे और आपको आपके स्टेट की जॉब बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, सब्बा खैर।